आज के सेशन में सीख जाएंगे आप सभी विद्यार्थी, बस लास्ट तक देखना वीडियो को। तो यहां पर हम डिस्कशन करने वाले एफई। एफई का मतलब पूछा क्या होता है, एफई का मतलब होता है आयरन। ठीक है, आयरन की रिएक्शन हो रही है किससे, पानी के साथ। जब पानी से आयरन की रिएक्शन होती है तो दोनों टकराकर आपस में क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, Fe3O4 बनाते हैं प्लस H2। ऑलराइट, ये बनाते हैं। अब अहम सवाल यहां पर ये है कि हाउ टू बैलेंस कैसे किया जाए। आज का मुद्दा यही है, आज देश का मुद्दा क्या है, सेशन का मुद्दा है हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। तो ये आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखो इस शख्स को। यहां पर एफ ही दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा ढंग से बनाएंगे। ठीक है, एफ ही सुहाना, यहां पर ये एफ ही है और यहां पर एफ ही कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी करी इसने, यहां पर अकेले था फिर यहां पर कितने कर लिए, 3 हो गई। इसका मतलब हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जोर से बोलो, यहां पे 3 हो गए ना, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे बताओ, 3 का। आपने क्या सोचा, 5 का नहीं। आ रहा है आपको समझ में, हाँ 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब आपकी बारी साहिल। ठीक है, H2O या देखो बेटा, जब बैलेंस करते ना, एक बात और कि बैलेंस करने के दौरान पहला काम जो आपको करना है, फटाक से आप ऐसा ब्रैकेट बना लोगे, एग्जाम में भी बैलेंस के लिए आएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रैकेट में इनको ढाक लेना है, बंद कर लेना है। ऑलराइट, यू कैन, ठीक है, ब्रैकेट बनाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, नॉट समथिंग लाइक दैट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं बनाना। पहला काम ब्रैकेट बना लिया, यस सर, समझ में आ रही है। अब क्या करना है आपको, इनको आइडेंटिफाई करना है कि जो यहां था यहां पर वही है। ये हमारा क्या कहलाता है विद्यार्थियों, इसको हम प्यार से बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट माने उत्पाद, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ठीक है सर, नहीं सर, रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है। हाँ हाँ, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब आ रहा है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो आयरन की रिएक्शन किससे हो रही है, पानी से हो रही है, तो ये वो बेसिकली प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट में दोनों मिलकर बना Fe3O4 प्लस H2 बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे 3 एटम्स किसके हैं, 3 एटम्स से आपके आयरन हैं, और यहां पर 3 नहीं थे तो हमने 3 का मल्टीप्लाई करा। अब जब भी आप ठीक है बैलेंस इक्वेशन करोगे, 3 बातें लिखनी है। पहले लिखोगे आप एलिमेंट, रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन है भाई, यहां पे लोहा बाजार एफ, ठीक है, एंड एच, ऑल राइट, और ऑक्सीजन, यही है कोमल, रितिका, अंजलि। एफ के कितने एलिमेंट है यहां पे, अभी तो पहले, ठीक है, यहां पर पहले कितने थे, 3 थे। रिएक्टेंट में कितने थे भैया, रिएक्टेंट में पहले 1 भी नहीं था, 1 ही था। प्रोडक्ट में कितने थे, उत्पाद में कितने थे, आयरन के 3 थे, 3 लिख दिया। ठीक है बेटे, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद है। हाइड्रोजन के कितने अणु थे यहाँ पे, हाइड्रोजन के 2 थे प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में कितने थे, रिएक्टेंट में भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे। ऑक्सीजन में कितने थे, ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन किसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भैया, 1 टाइम में, तो यहां पर हमने 1 लिख दिया। एंड प्रोडक्ट में कितने थे, 4 टाइम्स आ रहे आपको, गेटिंग। तो हाउ वी कैन बैलेंस दिस इक्वेशन, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने यहां से ऑब्जर्व करा कि भैया जो प्रोडक्ट में बन रहा था वो 3 था, यहां 3 दिख रहा है ना सुहाना, तो साहिल वो ध्यान से देखना, यहां पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सारे विद्यार्थी देख रहे हैं ना, ठीक है, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 है, प्रोडक्ट में कितने, 4 है, तो हमें रिएक्टेंट को अगर दोनों को बराबर बराबर करना है तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हो गया, ये तो पहले से बैलेंस है, यहां पर भी 3 का करते हैं, हो गया बैलेंस। अब हम 4 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां पे, आ रहे आपको समझ में,
दिख रहा है ना आपको, ऑक्सीजन चार है ना, कितने ऑक्सीजन के चार अणु है, तो चार का गुणा कहां करेंगे, यहां करेंगे व्यूवर्स, चार का मल्टीप्लाई यहां होगा सुहाना, यहां पर होगा, यहां पर मत कर देना भूल से भी, सर मैं तो यही कर दूंगी डायरेक्ट, यहां पर नहीं होगा, आ रहा है आपको, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके संग ठीक है जिसकी संधि है साथ साथ में ना, ये दोनों भैया टुगेदर है, पार्टनर है, तो बोलेंगे भी हम तो एक साथ, समझ में आ रहा है। चलिए तो फोर का मल्टीप्लाई हम ऑक्सीजन में कर रहे हैं, तो साथ में ऑक्सीजन के H2 है, तो H2 में भी हो रहा है, हो रहा है, फोर टू जा एट आ रहे आपको, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, आठ हो गए, तो हम क्या करेंगे, चार का मल्टीप्लाई इधर करेंगे साहिल भाई, और चार का मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे, आ रहे आपको समझ में, यस और नो, कि नहीं आया, आ गया ना, और ये ब्रेकेट के थोड़ा सा छोटा, ठीक है, और यहां पर भी हम फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी होती है बैलेंस इक्वेशन, किस किस को समझ में अच्छे से आ गया, एकदम आ गया ना, पक्का आ गया, चलिए एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, शाबाश, आप लोग नहीं आया समझ में, सर एक और बार समझा, चलो ऑफ करने।